समझ सकते हो कितनी कितनी अच्छी बनी है। तैयार हो गई है ये, मैंने वो मास्क की बनाई थी और ये बेसन वाली। चलो सबसे पहले नाना जी को टेस्ट कराते कि कैसी बनी है। हाँ मुस्कुराओ, थोड़ा और मुस्कुराओ। मुस्कुराओ भी नहीं बोले, मुस्कुराओ, थोड़ा और मुस्कुराओ। और आज तक कभी काम किया नहीं है, ये बेसन वाली तो बहुत अच्छी बनी हुई है। सच में? अरे वो सच बता लो, हो सकता है भविष्य में क्या। हेलो गाइस, नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का देवभूमि उत्तराखंड की इन खूबसूरत और हसीन वादियों से। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। तो चलिए आज के एक नए ब्लॉग की शुरुआत कर लेते हैं। आज हम लोग आए हुए हैं नानी के घर पे। मुझे जो है बहुत टाइम से कमेंट आ रहे थे कि आप कुछ ट्रेडिशनल बनाओ उत्तराखंड में जो चलता है, फूड ब्लॉग्स बनाओ करके। और एक डिमांड आई थी कि उड़द की पकौड़ी, जिसे हमारे यहाँ पर मास के बड़ बोला जाता है, जो बहुत ही शुभ माना जाता है। हमारे यहाँ पर जो भी शुभ कार्य होता है उसमें सगन के लिए वही बनाते हैं सबसे ज़्यादा। तो मैं सोच रही थी कि वही बनाया जाए, एक बार आपको दिखाया जाए कि कैसे बनता है यहाँ पर। तो पहले मैंने सुबह सुबह मामी को कॉल करके बोला था कि मांस जो होते हैं यानी कि उड़द जो है काली उड़द, उसको भिगा देना ताकि उससे फिर हम उसको सिलबट्टे में पीस के बनाएंगे। लेकिन मांस था नहीं यहाँ पर। तो उसके बाद फिर मैं जब यहाँ आई नानी के घर पर, तो मैंने पूछा, नानी ने बोला मांस तो हमारे यहाँ पर है नहीं। तो फिर हमने जो है सफ़ेद वाली उड़द होती है उसका आज एक बार बनाएंगे, ट्राई करेंगे। इससे पहले कभी किसी ने बनाई नहीं ऐसे। तो नाना जी बोले थे कि इससे बनेगा नहीं बनेगा, हमने बोला एक बार ट्राई कर लेते हैं क्या है, वो भी उड़द ही है। तो चलिए अभी हम बनाने वाले हैं वाइट वाले उड़द से जो है पकौड़े बनाने वाले हैं, मांस के बड़, जो हमारे उत्तराखंड में कोई भी शुभ कार्य होता है तो उसमें बनाया जाता है सगन के तौर पर। उसके बिना कोई भी शुभ कार्य अधूरा माना जाता है हमारे यहाँ पर। तो मैं आपको बताऊँगी कि कैसे बनाया जाता है। मैं पहली बार बना रही हूँ ये, इससे पहले मैंने कभी भी ऐसी कुछ भी नहीं बना रखा है। लेकिन उन जब कमेंट आए थे कि बनाओ, तो मैंने कहा एक बार ट्राई कर लेना चाहिए। तो आप लोगों के लिए एक बार मैं ट्राई करूँगी, देखते हैं कैसे बनते हैं मुझसे। अगर नहीं बने तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, क्योंकि मैं पहली बार बना रही हूँ, मैंने इससे पहले कभी ये सब चीज़ें नहीं बना रखी हैं। तो देखते हैं कैसा बनता है, आई होप अच्छा ही हो। मैं वैसे भी हर चीज़ को पॉजिटिव लेती हूँ कि अच्छा ही बनेगा, लेकिन अब देखते हैं क्या होता है। ये तो मुझे नहीं पता कि अच्छा बनेगा या नहीं बनेगा, लेकिन मैं ट्राई ज़रूर करूँगी एक बार। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि मैं कैसे बनाती हूँ करके। ये है सफ़ेद वाली उड़द, जिसे महीन कर लिया है भिगाने के लिए, क्योंकि इसको भीगने में टाइम लगता है। तो अगर साबुत डालते तो भीग नहीं पाती अच्छी तरीके से, इसलिए इसको हमने महीन कर लिया। अब मैं इसको भिगाऊंगी, 2 से 2.5 घंटे तक इसको भिगाएंगे, उसके बाद फिर बनाएंगे इसके पकौड़े। इसको मैं गर्म पानी से भीगने को डाल दूंगी, क्योंकि ठंडे पानी से डालेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा भीगने में, गर्म पानी से थोड़ा जल्दी ये भीग जाएगी। 2 से 2.5 घंटे तक हम ये उड़द को जो है भीगने को छोड़ देंगे, ताकि बहुत अच्छी तरह भीग जाए, सॉफ्ट हो जाए, जिसको सिलबट्टे में पीसने में बहुत आसानी हो जाएगी। और इससे जो है हमारे जो पकौड़े हैं वो बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे और टेस्टी बनेंगे। तो मैं इनको भीगने को रख देती हूँ अभी, इसके बाद आगे का प्रोसेस आपको दिखाएंगे जब ये अच्छी तरह भीग जाएंगे। यहाँ पे देखो नानी ने इतने खूबसूरत से फूल लगा रखे हैं, यानी कि गुलाब के फूल इतने खूबसूरत। सो गाइस, उड़द को भिगाए हुए हमको 2 से 2.5 घंटा हो चुका है, वो बहुत अच्छी तरह भीग गई है। आप देख सकते हैं ये मैंने उड़द जो भिगाई थी बहुत अच्छी तरह भीग गई है। अब इसका पानी हम अलग कर लेंगे इसमें से, क्योंकि पानी रखेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा चिपचिपी हो जाएगी, जिससे हमारे जो पकौड़े वो अच्छी तरह बनेंगे नहीं। ये आटा छनने वाली छन्नी थी, जिसमें मैं इसका पानी निकाल लूँगी। ए पिंचू पिंचू, नहीं नहीं नहीं, ये मामा का लड़का है जो बहुत ही शैतान है। ए मैं मारूंगी तेरे। इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे ही रहने देंगे, ताकि इसका जो भी पानी है सब नीचे निकल जाए और ये चिपचिपा ना हो, हमारे अच्छे बने। जरा ये बहुत खतरा नहीं कर रहा है, तो इसको ऐसे ही रख देंगे। और इसका पानी निकालने के बाद, इसको ये निकल रहा है पानी, लगभग पानी निकल गया है इसमें से पूरा। अब हम इसको क्या करेंगे, सलबट्टे में पीस लेंगे। हाय पिंचू, इधर देख कैमरे में देख, इधर देख दीदी, यहाँ पे पिंचू आया, छोटा पिंचू। सो गाइस, ये रहा अपना सिलबट्टा जो किचन में था, लेकिन वहाँ पर बहुत अंधेरा था, तो भाई से बोल के मैंने इसको बाहर रखवा लिया है। मामी और भाई ने इसको बाहर रख दिया है। ये उड़द है जिसमें से पानी पूरा निकाल दिया मैंने, अब इसको यहाँ पे पीसने के लिए बाहर पर रखा हुआ, क्योंकि अंदर जो है बहुत ही अंधेरा हो रहा था तो दिखता नहीं कुछ। इसमें मिर्ची है और ये है उड़द, इसमें हम थोड़ा सा नमक डालेंगे स्वाद अनुसार, और जीरे और धनिया के थोड़े दाने, उसके बाद इसको पीसेंगे।
ये उड़द है जिससे पानी पूरा निकल गया, मैं पीसने के लिए तैयार हूँ। इसमें नमक डाल रखा मैंने, हल्दी डाल रखी है, मिर्च डाल रखी है। अब इसको पहले पीस लेते हैं अच्छी तरीके से ताकि पकौड़े बन जाए। अरे बाबा, उल्टा सुल्टा कुछ पता नहीं चल रहा है। इसको बहुत ही महीन पीसना पड़ता है ताकि पकौड़े बहुत ही अच्छे बने, वरना बहुत टाइट हो जाते हैं। वैसे मैंने ये काम किया नहीं है, मैं पहली बार पीस रही हूँ, पता नहीं अच्छे दो दो दाने करके पीसना, दो दो दाने करके। अरे सारे एक साथ पीस जाएंगे। इसको बिल्कुल ऐसा बनना है कि दाने बचने नहीं, इसको बारीक बनना है। आटा बना ले, आटा हाँ ये लगा लो। इसको पीस पीस के आटा बनाना है, जबकि मैंने इसको पहले कभी पीसा नहीं है। तो अभी जब मैंने पीसना स्टार्ट किया तब मुझे पता चला बहुत मेहनत लग रही है इसमें, और बहुत ही ज्यादा बहुत टफ काम है। मम्मी लोग पीसते हैं तभी मम्मी मुझसे बोलती है कि ये काम तेरे बस की नहीं है, आज पता चल रहा है मुझे। लेकिन कोई नहीं, आप लोगों के लिए मैं ये भी सीख लूंगी, आपकी डिमांड थी तो मैं कर रही हूँ काम। पता नहीं मेरी आवाज़ अब तक पहुँची होगी नहीं पहुँची होगी, कि कैमरा आगे सामने है मेरे, मैं काम कर रही तो ज़्यादा ज़ोर से बोल नहीं पा रही मेरे को, क्योंकि मेरी सांस फूल रही है। तो गाइस, मांस जो अपना पीस गए हैं, यानी कि उड़द जो है अपनी मैंने बहुत अच्छी तरह पीस ली है, एकदम आटा बना दिया इसको पीस पीस के। इसको पीस पीस के मेरी सांस ही फूल गया। मेरे को देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बहुत ही मेरी हालत ख़राब हो गई थी इसको पीसते पीसते। बहुत ही ज़्यादा टफ काम मेरे को ऐसा लगा, क्योंकि मैंने पहली बार ये काम किया है। मम्मी लोग करते हैं, मेरे को आता नहीं था, लेकिन बहुत ज़्यादा इसको पीसने में ना बहुत हालत ख़राब होगी मेरी। तो अभी जो है बहुत अच्छी तरह मैंने पीस दिया है, इसमें मसाले डाल दिए हैं। मैंने आपको बताया था कि मिर्च, नमक, हल्दी जो भी लगता है ये सब मैंने डाल दिया इसमें। अब मैं इसके ऊपर डालूंगी कटा हुआ हरा धनिया, उसके बाद सीधे इसके बनाएंगे पकौड़े। सो गाइस, मसाला जो है मैंने तैयार कर लिया है, इसमें मैंने हरा धनिया काट के डाल दिया है। आप सोच रहे होंगे कि ये दोनों दो अलग अलग मसाले क्यों हैं, तो मैं बता दूं आपको कि हमारे उत्तराखंड में जो बनाया जाता है, यानी कि हमारे पहाड़ में जो बनता है, ऐसे जो मैंने मसाला बना रखा है वो लहसुन भट्टे में मांस को पीस के और उसमें मसाला डाल के नॉर्मली सिर्फ ऐसे ही पकौड़े बनते हैं, उसमें कुछ नहीं पड़ता है। लेकिन मैंने दो अलग अलग इसलिए किए हैं, मेरे को ऐसा लगता है कि एक बार इसमें थोड़ा सा बेसन डाल के बनाते हैं, कुछ यूनिक सा टेस्ट आएगा। देखते कैसा बनता है, अच्छा बनता है नहीं बनता है। वैसे ऐसे इसमें बनता नहीं है, लेकिन एक बार ट्राई करते हैं कि बेसन डाल के इसका टेस्ट कैसा आता है। तो ये अलग अलग कर दिया है, इसमें मैं थोड़ा सा बेसन मिला के इसको फिर से इसकी छोटी छोटी सी टिकिया बना लूंगी, उसके बाद फिर आपको दिखाऊंगी। तो इसमें मैंने जो दूसरा मसाला है, इसमें मैंने थोड़ा बेसन डाल दिया है, इसको मिला लेंगे बेसन के साथ अच्छी तरीके से। ये तो नई देखते हैं, आज तक मैंने देखा नहीं मांस में ये बेसन डालते हैं, पता नहीं क्या बना रही है आज। ये मेरे को ऐसा लगता है कि कुछ नया किया जाए, कुछ नया ट्राई किया जाए, देखते हैं एक तरह नया कितना अच्छा रहता है। पर नॉर्मली हमारे जो भी रिवाज होते हैं, जो भी घर पे त्यौहार होते हैं, हम लोग क्या करते हैं, मांस को यानी कि उड़द को इस तरीके से पीसा जाता है, उस पर से मसाला डाला जाता है, जो भी नमक हल्दी मिर्च वगैरह वगैरह होता है सारा डाला जाता है, बस उसको इस तरह से मिला लिया जाता है। और इसको क्या करेंगे, छोटे छोटे करके इकट्ठा करेंगे, उसके बाद इसको तेल में तल देंगे जैसे नॉर्मली पकौड़ी को तलते हैं, बस। और ये पूरा प्रॉपर बन के तैयार हो जाता है। इसकी मैं टिकिया बना लूंगी जो तेल में तली जाएंगी। बहुत अच्छा मांस पीस है मैंने, कितनी प्यारी सी हो रही है ये, बन रही है। बस ये जो होता है कि कविता ने बता रखा होगा इसके बारे में कि हमारे हर कल्चर पे जो भी शुभ कार्य होता है इसको बनाना कंपलसरी होता है, सबसे मेन होता है ये, और सबसे पहले बनाया जाता है। इसके बिना कोई भी शुभ कार्य सफल नहीं माना जाता है, मतलब ये कंपलसरी होता है हमारे यहाँ पे बनना। तो मैं ऐसी सारी टिकिया बना लूंगी पहले। ये देखो इतने प्यारे से पकौड़े बन तेल में जाने के लिए तैयार हो गए हैं, मैंने टिकिया जैसे बना दी है, इधर से मांस की बनी है और इधर के जो है ये बेसन वाले हैं। तो बाकी ये है देखो कढ़ाई, कढ़ाई पे तेल में तेल लग रखा है, उमल गया शायद, हो गया तेल। एक बार एक टिकिया डाल के देख लेते हैं, पता चल जाएगा तेल नहीं हुआ अच्छे से, तेल हो गया। चलो फिर ये बन रही है,
अरे वैसे मेरे को ऐसा लगता है कि मैं कर सकती हूँ काम। देखो मेरे तो मम्मी बोलती थी तेरे से ये काम नहीं हो पाएगा। आज मम्मी को ये वीडियो दिखाऊंगी घर जाके कि देखो मैं इतना काम कर लेती हूँ, मेरे को सब आता है करके। कविता मैं अपने पे आ जाऊँ तो मैं सब कर सकती हूँ। कविता क्या बना रही है? मास्क की बड़ी बना रही है यहाँ पे। और मैं आपको इधर दिखाता हूँ नाना जी क्या कर रहे हैं। नाना जी देख रहे हैं वीडियो हमारी कल वाली, कैसी लग रही है बुबू वीडियो? बढ़िया है, बढ़िया बनी है। और बाकी पूरन क्या कर रहे हैं? कटिंग कर रहे हैं पकौड़ी करने बनाने के लिए। आलू ने क्या काट रखे हैं, ये इतनी कटिंग कर दी आलू की, सामान सड़ के, बहुत बढ़िया। और ये बुबू तो वीडियो देख रहे हैं यानी कि नाना जी, ताकि यहाँ पे कपड़े सूख रहे हैं और यहाँ पे कविता बन रहे हैं मेरे, इतने अच्छे अच्छे बन गए। हाँ बन रहे, अच्छे लग रहे हैं मुझे तो देखने में, ये देखने में ही अच्छे लग रहे हैं बस, नहीं टेस्ट में भी अच्छे होंगे। चलो चेक टेस्ट करके बताना, अभी को टेस्ट कराया जाएगा पहले। ये जो पकोड़े हैं इनको तेल में डालने के बाद बहुत टाइम तक रहने देना होता है, इनको हिलाना नहीं होता क्योंकि इनको पकने में बहुत टाइम लगता है। पकौड़ी जल्दी बन जाती है लेकिन ये जो मांस है इनको पकने में बहुत टाइम लगता है। तो इनको ऐसे ऐसे डाल के छोड़ देंगे जब तक ये खुद ही ऊपर नहीं आ जाते, तेल में पकेंगे आराम से, जब अच्छी तरह पक जाएंगे नीचे से तो खुद ऊपर। आपको एग्जांपल दिखाते हैं, ये देखो ये कविता ने ज़्यादा पका रखे हैं, इनका कलर अलग है, और ये कविता ने कम पका रखे, दोनों के कलर में डिफरेंस आप खुद देख सकते हो। हाँ। ये देखो ये इसको कब पता चला, जब मैंने पहली बार बनाया नाना जी ने बताया तब जाकर इसको पता चला, क्योंकि मैं पहली बार बना रही हूँ मुझे भी नहीं पता था कि इसको हम लोग दोबारा पकाएंगे भी, पता है कि बहुत देर तक पकाना पड़ता। कविता ने क्या किया, पकौड़ी की तरह डाला और हिला हिला के उसको हिला हिला के ऊपर कर दिया। और प्रिंसू प्रिंसू को इतने स्वादिष्ट लगे कि और दे नहीं आ गया, क्योंकि कविता ने एक बार में पांच बनाए थे, ये दो ही हैं, तीन बांट दिए, उसमें एक प्रिंसू ने और ले लिया। प्रिंसू कैसे रहो? प्रिंसू कैसे रहो? है शायद रहो, शायद रहो, इसको अच्छा लगा। अरे वाह, यानी कि बोलना सीख गया प्रिंसू, अरे बढ़िया आ रहा हो, ठंडा अच्छा आए दे पहले इसको आए दे, क्या मतलब क्या होता है भाई, इतने तो बना रखे हैं, इसको भी सामने तेरे को दे दूं मैं। हां नहीं तो फिर से मांगने लग गया। देखो किसी तेरा पेट दर्द हो जाएगा बाबू, इतना नहीं खाता छोटा बच्चा है तू। ये ऊपर आ गए हैं जैसे आप देख सकते हैं, खुद खुद ही ऊपर आ गए बिना इसको चम्मच से हिलाए, यानी कि जो झांझर है इससे बिना पलटा देंगे ताकि ये नीचे की साइड से पक जाए, ऊपर की साइड से पूरी अच्छी तरह पक जाए। ये हो गया है, मैंने हिला दिया एक बार, बस ये पक रहे हैं। ये बेसन वाले हैं, ये जो हमारे यहाँ पर बनते हैं मास के, ये वो है। अब देखते हैं कैसे बनता है। मामी जी देखो क्या कर रही है, चाय डाली है गिलास में, वहाँ पे रख दो, अभी ले लूंगा मैं। और कविता क्या कर रही है, मेरे ये कविता की पूरी पकौड़ी बनके तैयार हो गई है। ये मैंने वो मास की बनाई थी और ये बेसन वाली। चलो सबसे पहले नाना जी को टेस्ट कराते हैं कि कैसी बनी है। यहाँ पे क्या चल रही है, वीडियो चली नाना जी की कल वाली, देखो कैसी बनी है। बहुत ही टेस्टी बनी है, जबकि फर्स्ट बार आज तक कभी काम किया नहीं है, ये बेसन वाली तो बहुत अच्छी बनी हुई है सच में। अरे वो सच बता दो, हो सकता है भविष्य में क्या कहते हैं होटल खोल ले मतलब रहने का कोई वो नहीं, बहुत अच्छी टेस्टी बनी हुई है। ये पहली बार आपने ये बेसन वाली, आपने कभी बेसन वाली खाई नहीं है, खा के बताओ कैसी बनी बेसन वाली। ये और टेस्टी बनी हुई है, इतनी तारीफ भजन नहीं हो रही आज, इतनी भजन देखा बिना टेस्ट के। देखो ये पहली खा ली है, पहली खा ली है ना, मेरे मम्मी बनाने मेरे ससुर बनाए अष्ट जश बन गए जैसे पहली वीडियो का देखो आमा क्या कर रही है, मम्मी की बुराई कर रही है, कह रही मम्मी ने नहीं बनाया, और घर जाके वीडियो मम्मी ने देखनी, मम्मी फोन करेगी नानी को, पूरन क्या बोल रहा है। लाओ यार दर्द दो, ये हाँ तुम टेस्ट करो, ये नॉर्मल वाली मास्क है और ये बेसन वाली है, बात करके बताओ कैसी है। हेलो हम्म, अच्छी बनी है, ये सच में अच्छी बनी है यार। हाँ आए ना हकीकत बनी है, रियल में बहुत मस्त बनी है, मजाक तो एक साइड पर अच्छी बनी है, देख सकते हो काफी टेस्टी है, पर बहुत कम है ये बस हमने ऐसी बनाई थी, कोई अभी दूसरी पकौड़ी बनने वाली है। अब बस आलू तैयार है, कट के तैयार है, अब नॉर्मल पकौड़ी बनेगी। देखो पूरे आलू पूरे कट चुके हैं और नाना जी पूरी वीडियो देख रहे हैं हमारी कल वाली, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो थी आधे घंटे की। खा ले
अब हम मामी को टेस्ट कराएंगे, बहुत देर से उनको ढूंढ रहे थे, वो आई नहीं रही वीडियो में, बड़ी मुश्किल से आई है वीडियो में। मामी बड़ी सीरियस हैं। हाँ, आप टेस्ट करके बताओ कि कैसी बनी है मेरे हाथ की पकौड़ी। मुस्कुराओ, थोड़ा मुस्कुराओ, थोड़ा और मुस्कुराओ। मुस्कुराओ भी नहीं बोले, मुस्कुराओ। थोड़ा और मुस्कुराओ। अच्छी बनी है ये जो हमने बनाई थी व्हाइट वाले मास्क की, यानी कि उड़द की, व्हाइट वाले उड़द की, वैसे ब्लैक वाले उड़द की, उड़द की बन दी है, उड़द हमारी आती नहीं, तो हमने व्हाइट वाले की बना दी। सबसे ज्यादा सबसे अच्छी लड़के को आई है, उसको इतनी पसंद आई थी, उसने बहुत सारी खाई हमें से, अभी भी मांगने में ही है वो, लेकिन उसको दिया दे नहीं रहे क्योंकि वो बच्चा है, क्योंकि ये बहुत टाइट होता है तो उसका पेट दर्द हो जाएगा, पेट खराब हो जाएगा, बच्चा है इसलिए नहीं दे रहे। ठीक है, अब हम चाय बनाते हैं। बाकी ये बेर को समझ सकते हो कितनी कितनी अच्छी बनी है। कविता देखो क्या कर रही है, दूसरी पकौड़ी बनाने की तैयारी कर रही है, यानी कि जो उड़द की पकौड़ी थी वो हम लोगों ने खा ली, बड़ी स्वादिष्ट बनाई थी। अब जाके बना रही कविता आलू वाली पकौड़ी, इस पे बेसन डाल लिया, बाकी इस पे मसाला डाल दिया है। क्या क्या डाला इसमें? मिर्च डाली है और नमक डाल रखा है और मसाला डाल रखा है थोड़ा सा। चलो बढ़िया है, तो मामी कविता की हेल्प कर रही हैं, बाकी हम तो ब्लॉगिंग कर रहे हैं बस। देखो ये बन रहा है, आलू के चिप्स बन रहे हैं आज, आलू के चिप्स पकौड़ी बन रही है, तो क्योंकि क्योंकि इसमें प्याज व्याज नहीं डाल रखा ना, क्योंकि पूजा है घर में, प्याज नहीं डलता हमारे यहाँ पर जब पूजा होती है, हाँ, पूजा के दिन यहाँ पे प्याज नहीं डलेगा, तो इसलिए हमने प्याज नहीं डाला, और बिना प्याज वाली पकौड़ी बन रही है, मस्त बनेगी, बहुत मस्त है। अभी यहाँ पे देखो आग भी बुझ रही है, पहले आग जलाएंगे उसके बाद जाके इस पे, यानी कि आग को अच्छे जलाएंगे, उसके बाद इसे कढ़ाई रखेंगे, उसके बाद बनेगी ये वाली पकौड़ी। मस्त वाली, बाकी पीयूसी तो खेलने में है, पीयूसी ये इतना शैतान लड़का है हमारे मामा का, पीयूसी शैतानी नहीं बच्चे। जब पीयूसी बड़ा हो जाएगा ना, अपनी वीडियो देखेगा फिर सोचेगा बचपन में इतना शैतान था। मसाला जो है तैयार हो गया है, मामी ने रख दिया है तेल गरम होने को, आग जला दी है, बस इस पे तेल अभी गरम होता है, उसके बाद जाके बनेगी पकौड़ी। ये भी पूरी तैयार हुई है, बस अब बनाएगी कविता आलू की पकौड़ी और फिर हम लोग खाएंगे। हाँ माँ, कविता शेफ। ठीक है, तो आमा मेरे को बुला रही है, कहाँ पे? नीचे पीयूसी को लेने के लिए। क्या हुआ कि यहाँ पे बंदर आ गए, पता, बंदर आ गए और बंदर का आतंक। आमा गई है बंदर को भगाने के लिए और पीयूसी भी गया था, अब मैं पीयूसी को लेने जा रहा हूँ। आ जा पीयूसी, आजा आजा आजा, चलो आजा 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 बाबू, आजा 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 पीयूसी आजा। ओ मम्मी बहुत भारी बालक है। हाँ पीयूसी, वहाँ देखो वो कैमरे में, हेलो बोल, हेलो बोल, हेलो बोलो, वीडियो को लाइक करो, बोलो दादा के चैनल को सब्सक्राइब करो, बोल बोल दे बच्चे। तो नानी देखो गई बंदर को भगाने के लिए, बाकी हम लोग जा रहे हैं घर। ओ चल 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 घर पे चल, अरे गिर गया बालक, चल चलो फिर। ये देखो ननियाल के सामने के रास्ते कुछ इस तरीके से, और सामने पानी वाला स्रोत और सामने अपने नानी का घर है। तेल हो चुका है अपना गरम, अब इसमें मैं डाल रही हूँ पकौड़े। 5 रुपये प्लेट 5 रुपये प्लेट पकौड़े ले लो, पकौड़े मैंने मामा जी बनाते थे इससे पहले पकौड़े, अब मामा जी तो यहाँ है नहीं, मैं बना दूँगा। कविता ने पूरा होटल खोल लेना चाहिए पकौड़ी बनाने वाला, सही है। पिछली बार कविता ने बनाई थी पकौड़ी धार पे, आज घर पे, आज बना रही कविता घर पे। कविता की पकौड़ी बनने में ही है और ये थाली में भी है और हम लोग खाने में ही है, बड़ी स्वादिष्ट बना रखी है। ये बस इतनी पकौड़ी और बनानी बची है, उसके बाद हम चलेंगे घर को। फिर
आमा भी बढ़िया बनाती है। तेरे बाजू लो पकड़ाई थी अपनी, क्योंकि क्योंकि मम्मी सिर्फ काले मांस के बनाती है और वो टेढ़े मेढ़े बनाती है, जैसे मैंने बनाई थी वैसे नहीं बनाती है। मम्मी को बहुत सारे काम होते हैं, एक काम को पूरा एक दिन लगा दिया, मम्मी को एक दिन 50 काम करने होते हैं। नाना मम्मी को भी मेरे बनाए। और ये देखो पूरन क्या कर रहा है यहाँ पे, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देख लो। सुना सुना वीडियो बना, ये देखो गेम खेलने में बिजी है। हाँ मम्मी की कंपेयर हमने रोड से कर दी, बोले ये रोड टेढ़ी मेढ़ी नहीं। अच्छे तोप मेरी माँ बनाती है, उतने अच्छे तोप कोई नहीं बना सकता ना। तोप बहुत बड़ा बनाना ना मम्मी, सबसे बढ़िया तोप मम्मी बनाओ ना, मम्मी आज बढ़िया तोप करना बना सकती। यार बताओ यार बेस्ती मम्मी की बेस्ती करी। मेरी मम्मी के जितने अच्छे तोपे जो है पूरे किमखेत में कोई नहीं बना सकता। बड़ नहीं बना सकती है, चलो कोई दिक्कत नहीं, चलेगा चलेगा। सो गाइस अभी सभी की चल रही है चाय और बस मैं भी पीता हूँ, मामी है और नानी जी क्या कर रही हैं चाय पीते पीते, हमारी कल वाली वीडियो देख रही है जो हम हेल्प करने गए थे भाई की, उस वीडियो को देखने कविता बाकी चाय पी रही है। और पीयूसी यहाँ पे क्या कर रहा है देखो, क्या कर रहा है पीयूसी, पीयूसी फ़ोन से खेल रहा है और नानी वीडियो देख रही है, बाकी पूरे यहाँ बैठा पड़ा है। तो ब्लॉग को क्या करते हैं यहीं पे एंड करते हैं। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में दोस्तों का शेयर करना, और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल भी कर लो, जिससे कि हम आपको हमेशा अपने उत्तराखंड से, अपने गाँव से, अपने पहाड़ से जुड़े रहें और ऐसे ही अपने कल्चर से जुड़े रहें, और कल्चर से जो भी हमारा ट्रेडिशनल फूड होते हैं इस तरह दिखाते रहें, जो भी यहाँ पे हम बनाते हैं पकवान बनाते हैं वो आपको दिखाते रहें। तो हम आपको मिलते हैं अगली वीडियो पे, अगले ब्लॉग पे, तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, टेक केयर, बाय बाय, जय देव भूमि, जय उत्तराखंड।